भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रेत है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर एक ट्राली और डल चुकी है और कुछ ऊपर चढ़ गई थी और हमारे सारे कबूतर है ना इसके ऊपर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है यार इसके ऊपर बैठना। देखिए पूरे पूरे इसके ऊपर बैठे रहते हैं और ये है ना देखिए इस फीमेल को भगा ही रहा है बहुत दिनों से, और आज है ना कल भी पलस्तर हो रहा था और आज भी पलस्तर हो रहा है, तो आज मिस्त्री भाई आए उन्हें छुट्टी नहीं करी, कल शायद छुट्टी करें वो, तो देखते हैं यार अब उनसे पूछ लेंगे और एक बार करेंगे या नहीं, नहीं तो यार दिख ही जाएगा वो तो हमें कल आएंगे या नहीं। तो अभी यहाँ पे ये बैठे हैं और कल पलस्तर छूट गया था और घोल भी नहीं हो पाया था, आज देखते हैं हो पाता है या नहीं, और इन्हें लग रही है भूख थोड़ी देर में ही, अभी इन्हें हम दाना डालेंगे और हमारा पूरा मुर्गा मुर्गी हमने खोल दिए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। दोस्तों आज है ना हमारे पिजन हाउस की छत पे शायद घोल चढ़ जाए, क्योंकि आज मिस्त्री भाई आए हुए हैं, तो हम देख लेंगे पिजन हाउस छत पे घोल चढ़ेगा या नहीं, क्योंकि यार उस पर ईंटें लगना भी रह गई हैं, अभी एक एक रद्दा लगेगा उसके ऊपर और पाइप भी लगना रह गया है, तो वो देख लेंगे। लेकिन अभी है ना पिजन हाउस छत पे नहीं, नीचे पलस्तर हो रहा है जो कि कल रह गया था, कल तो आपने देख लिया था पलस्तर शुरू हो गया था और काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन बहुत सारा पलस्तर रहता था, तो अभी चल रहा है, अभी हम चल के देख लेंगे यार कितना क्या पलस्तर हुआ और घोल डल मतलब कहाँ तक डलना हो गया, तो जो भी होगा हम ऊपर चल के देख लेंगे, मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन मिस्त्री भाई ऊपर काम करने लगे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी स्कूल से आया था और मैंने वहीं से देख लिया था उन्हें, तो मैं ऊपर नहीं गया हूँ अभी, मैंने सबसे पहले कबूतरों को देखा और इनको दाना भी डालना है और चेक भी करना है सबको, और जंगली कबूतर बच्चों को है ना फीडिंग भी करवाना है, दोनों है ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं और ठीक हैं, उन दोनों को फीडिंग भी करा दूंगा मैं, और चलिए पहले कबूतरों को दाना डाल देते हैं। यहाँ पे है ना हमारे सारे कबूतर बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे ये बैठे हैं ये बैठे हैं। सबसे पहले मैं आज क्या करता हूँ, ये वाला पानी फेंक देता हूँ यार, क्योंकि ये ख़राब पानी है, बाद में अच्छा पानी रख ही दूंगा मैंने। ये देखिए इनमें थोड़ी धूल मिला देते हैं, क्योंकि ये कबूतर क्या करते हैं इसका साइज़ बड़ा है तो इसके अंदर नहा लेते हैं, बच्चे नहा लेते हैं, बड़े बड़े नहीं नहाते हैं। और यहाँ पे देख लेता हूँ अंडे कौन इनक्यूबेट कर रहा है, ये देखिए मेल बैठा है, मेल मुझे काफ़ी कम दिखता है यार, जब भी मैं देखता हूँ ये भाग जाता है, ये देखिए अभी भी डरने लगा, ये भाग गया भाग गया भाग गया, बस यही करता है, ज़्यादातर नहीं बैठता है। और इनको चेक कर लेता हूँ मैं, इनके अंडे निकले हैं या नहीं, मैं रोज़ चेक कर रहा हूँ शायद अब अंडे अंडे में से अंडे अंडे निकले कह रहा हूँ यार मैं, बच्चे निकले या नहीं मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया यार, तो अभी भी अंडे ही हैं यार ये मेरे हिसाब से, तो शायद 2-3 दिन और लगेंगे इन्हें, उसके बाद है ना बच्चे निकल जाएँ इसके अंदर से अंडों के अंदर से, तो अभी तो इन्हें हम पैक कर देते हैं और इनको दाना डालना यार, मेरे पीछे आ रहा है, देखिए कबूतर भूखे हो चुके हैं, तो यहाँ पे इनको चेक करना बनता है यार। ये बच्चा यार मुझे काफ़ी प्यारा लगने लगे हैं अब, ये देखिए और जंगली कबूतर के बच्चों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे देखिए अंदर, तो इनको फीडिंग करा दूंगा मैं थोड़ी सी देर में ही, ये देखिए दोनों ठीक हैं और ये फीमेल काफ़ी गुस्सा कर रही, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ वापस से और यहाँ से इसको भी पैक कर देता हूँ, और यहाँ से इनके भी अंडे अच्छे हैं, इनके भी अंडे अच्छे हैं, फीमेल जा चुकी है अपने अंडों को इनक्यूबेट करने, तो अब मैं क्या करता हूँ जल्दी जल्दी दाना डाल देता हूँ, पहले एक खोलता हूँ, अरे आ जल्दी से दाना डालें, देखिए कितने भूखे थे यार, सारे पिजन जा चुके हैं हमारे और काफ़ी कम पिजन लगने लगे हैं, इंशाल्लाह हम ऊपर है ना और पिजन लेके आएंगे और लक्की पिजन भी इंशाल्लाह हमारे बहुत जल्दी आ जाएंगे, जब भी मेरा वहाँ जाना होगा ना तो पिजन हाउस ज़रूर लेके आऊँगा, वो पिजन हाउस बोल रहा हूँ यार मैं, हमारे लक्की पिजन ज़रूर लेके आऊँगा, जिस भाई को हमने दिए थे वापस करे थे वो अंडे नहीं दे रहे थे, तो उनसे हम ज़रूर से ज़रूर लेके आएंगे यार। देखिए यहाँ पे ये पूरा दाना खा लेंगे, उसके बाद अगर ये पूरा दाना खा लेंगे तो और डाल देंगे, अभी देखिए बिचक गए हैं, मैंने और दाना डाला तो मेरे, अभी यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, अगर ये इतना दाना खा लेंगे तो हम और डाल देंगे, और लक्की पिजन भी बहुत जल्दी आने वाले हैं हमारे, तो देखते हैं यार वो अंडे रखेंगे या नहीं हमारे सेटअप पे, क्योंकि हमने अभी तक है ना हमारे सेटअप पे लक्की पिजन के अंडे या बच्चे नहीं देखे हैं अभी तक, और यहाँ पे कोई अंडा नहीं है, इधर पे देख लेता हूँ हमारी मुर्गी ना अंडा रखती है एक, शायद यहाँ पे अंडा हो, शायद नहीं है यार यहाँ पे अंडा, तो लगता है घर वालों ने उठा लिए होंगे, क्योंकि मैं तो अभी लेट आया हूँ ना, सुबह सुबह नहीं आ पा रहा हूँ मैं 2-3 दिन से, और यहाँ पे हमारे पिजन्स के अंडे ज़रूर रखे हैं, क्योंकि ये कबूतर दाना खाने चले गया है, इस फीमेल को पता ही नहीं चला यार कि दाना डल चुका है, तो इसको मैं पकड़ के, अरे चलो ये छोड़ दिया मैंने, अब ये भी दाना खा लेगी, इसको यार पता चल चुका है, ये देखिए यहाँ पर ये जा चुकी है और इसको इसको भी पता चल चुका है, तो चलो ये अच्छी बात हो गई हमारे लिए। यहाँ पर डक्स का अंडा तो नहीं है, आवाज़ आई कबूतर की, नहीं ऊपर काम चल रहा है यार, उसकी आवाज़ आई थी, मैंने सोची कबूतर की आई थी, यहाँ पे डक्स का अंडा भी नहीं है और हमारी डक्स भी बाहर घूम रही होंगी, मुर्गियाँ बाहर घूम रही होंगी, लेकिन वो कुत्ता अभी भी आता है यार यहाँ पे, तो उस कुत्ते से हमें हमारी मुर्गियों की हिफाजत करनी होगी, नहीं तो वो कुत्ता खा सकता है, तो अब चलते हैं यार ऊपर देखने क्या काम चल रहा है। तो यार अभी यहाँ पे है ना ईंटें लगना शुरू हो गई, देखिए पूरे पे है ना राउंड राउंड पहले ईंटें लगेंगी, उसके बाद घोल होगा, तो यहाँ पे है ना इस तरह से ईंटें लगती जाएंगी, तो एक एक करके हमें ना ईंटें लगवा लेते हैं जल्दी जल्दी से।
लगातार यहाँ पे देखिए सीमेंट का घोल बनना है ना स्टार्ट हो चुका है और ये डलेगा हमारी पिजन हाउस की छत पे। और ये देखिए कितने अच्छे से बन रहा है सीमेंट का घोल यहाँ पे, और थोड़ी देर में ये बनकर रेडी हो जाएगा, फिर हमारी पिजन हाउस की छत पे हम इसे डलवाते हैं। तो यहाँ पे यार देखिए सीमेंट का घोल बन के है ना रेडी हो चुका है और ये ऊपर जा चुका है। देखिए अब डलेगा यार यहाँ पे सीमेंट का घोल एक करके पूरे के ऊपर, पहले पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ। देखिए ये तगाड़ी के अंदर बना रखा हुआ है, अभी पूरी छत देख लीजिए ऐसी पड़ी हुई है, सूखी जैसी वहीं पड़ी थी, और पूरे में है ना चारों तरफ ईंटें लग चुकी है यहाँ पे। देखिए मुझे लगता है पहले देखिए दीवारों पे जाएगा ये गोल गोल, आपको राउंड राउंड दीवारें दिख रही है ना, इसके ऊपर पहले घोल पड़ेगा पूरे पे। देखिए यहाँ पे पूरे में साइड साइड पे है ना पहले घोल पड़ेगा। देखिए ये दीवारें जो हमने उड़वाई हैं अभी अभी, इस पर भी घोल मारना ज़रूरी है, क्योंकि यार नहीं तो अगर यहाँ पर घोल नहीं मारेंगे तो बाहर घोल चला जाएगा जो हम डालेंगे। तो इस पर पहले पूरे पे है ना घोल डलवा लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो यार यहाँ पे है ना चारों तरफ घोल डल चुका है और अब डल रहा है हमारी डायरेक्ट छत पे। यार देखिए पूरा हमारी छत पे घोल फेंक चुका है, इस तरह से पूरी छत पे हो जाएगा और इसके बाद हमारी छत है ना बहुत पक्की और बहुत मजबूत हो जाएगी और बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। तो जल्दी जल्दी इसके करते हैं, पूरी छत पे है ना हम घोल डलवा लेते हैं। तो यार यहाँ पे देखिए पलस्तर तो पूरा हो चुका है, अंदर का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे अभी है ना आवाज़ वाइब्रेट कर रही है, मतलब गूंज टाइप की रही है आवाज़ यहाँ पे है ना। मैं फ्लैश लाइट भी ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लाइट भी लगवाएंगे। यार देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई यार इसके बाद, तो पलस्तर के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। देखिए कितनी क्लियर दीवार लगने लगी यार हमारी। ये देखिए यहाँ पे इधर से भी हो चुकी है, इधर से भी हो चुकी है और इधर से भी पूरी हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, माशाल्लाह पूरी हो चुकी है ये, लेकिन ये किनारा टूट गई है तो ये बनवाना है हमें। और ये टूट गई है, पैर रखा है गलती से, तो इसको भी बनवाना है। और यहाँ पे देखिए पाइप लगना रह गया था ना, तो ये पाइप भी यहाँ पे लग चुका है ये देखिए। तो इससे पानी अंदर का बाहर निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पे ढलाव सही करवाना है हमें, तो वो भी हम करवा लेंगे। यहाँ पे भी पाइप लग चुका है ये देखिए, ये हमें पिजन हाउस की छत का पाइप है। और मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, इस पर घोल भी डल चुका है पूरा कम्प्लीट ये देखिए। और ये ईंट भी जो मैं आपसे बोल रहा था ना, ये भी लग चुकी है। ये एक एक ईंट हमने इसलिए लगवाई है क्योंकि अभी देखिए यहाँ से पानी आया, कभी अगर ये ईंट लगी नहीं रहती जब, मैं उस टाइम की बता रहा हूँ आपको, अगर ये ईंट नहीं होती ना यहाँ से पानी आता, ये भी ख़राब होता हमारा ये, लेकिन इसको हम पेंट कर देंगे। और यहाँ से पानी आता 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 और यहाँ पर फिर हमारा वो रखाएगा ना यार जो जाली वाला एंगल, तो उस पर भी आता और वो ख़राब हो जाता फिर, लेकिन हम पेंट तो कर देंगे उन्हें। लेकिन फिर भी यार ज़रूरी थी ये ईंट लगवाना। अब पूरा पानी इकट्ठा होके उस पाइप से बाहर निकल जाएगा और घोल होने के बाद देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये तो हाथ लग गए किसी किसी के, ये देखिए यहाँ से ये भी सही हो गई है। और ये हम चढ़े थे इसलिए ऐसा हो गया है, नहीं तो बाकी पूरी देखिए बिल्कुल अच्छी हो चुकी है हमारी। छोटी सी पिजन हाउस छत डल के तैयार है और हमारा पिजन हाउस भी पूरा रेडी है। देखिए अब इसको क्या क्या रहता है, कलर करना रहता है, वाइट पेंट, ये देखिए वाइट पेंट करना रहता है। ये पूरा क्लियर दिख रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। इसको भी हम पलस्तर करवाएं या नहीं ये भी आपको कमेंट में बताना है। ये ऊपर वाले जो ईंटें लगवाई हैं इनको हम पलस्तर करवाएं या ना करवाएं, ये आपको कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना है। और यहाँ पे इसको तो बनवाना पड़ेगा यार हमें, ये बहुत बेकार लग रही है। सूखने के बाद यहाँ पे कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं जा सकते इसके ऊपर क्योंकि फिर टूट जाएगी ये। तो यहाँ पे अभी इतनी टूट चुकी है तो ये बनवा लेंगे अभी। अभी चल रहा है नीचे का पलस्तर यहाँ का। और यहाँ पे देखिए ये भी रहती थी ना कल, ये देखिए ये पूरी छत एक सी लगने लगी यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब क्या करना है हमें, यहाँ की करना है सफाई, ये पूरी हमें ना ये सफाई कर देंगे यहाँ से। अब इनका कोई काम नहीं रहेगा यार, यहाँ पे अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, ईंटों का काम कुछ नहीं है, तो ये पूरी ईंटें नीचे आएंगी फेंक जाएंगी और ये बोरियाँ मोरियाँ सब होके यहाँ से हमें ना धो देंगे छत को, इसको कलर कर लेंगे। और फिर यहाँ से क्या काम रहेगा, ड्रिल मशीन से छेद करके यहाँ पे हमें करना है एंगल सेट। एंगल सेट करने के बाद यहाँ पे गेट तो ड्रिल मशीन से ही लग जाएगा, छेद करके हम एंगल फंसाना है बस लग जाएगा फिर। तो यहाँ पे उसके बाद जाली सेट करना है, तो जाली मैंने ऑर्डर कर दी, जब आ जाएगी मैं आपको दिखा दूँगा जाली भी। तो अभी जाली नहीं आएगी, मैंने ऑर्डर कर रखी है। और इंक्यूबेटर भी अभी तक नहीं आया है, तो जो हमने इंक्यूबेटर ऑर्डर किया था ना वो भी अभी तक नहीं आया, तो वो भी जिस दिन आ जाएगा मैं आपको बता दूँगा। और यहाँ पर इस साइड से दिखा देता हूँ मैं आपको,
ये देखिए बहुत ही प्यारी छत लग रही है यार हमारी, और इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कबूतरों को धूप जाल बनवाया जाए छोटी सी जगह में, वहीं के वहीं पे हमें ना लंबा सा धूप जाल बनवा देंगे उनके लिए, हमारे कबूतरों के लिए, जिससे यार वो सर्दियों में अच्छे से रह सकें और हम उसके अंदर छोड़ के उन्हें जा सकते हैं बेफिक्र होकर, कोई बास की टेंशन नहीं है, किसी की टेंशन नहीं है हमें। और इधर पर हम एक इधर पर बनाएँ या फिर इधर पर ये तार निकलना है ना, इसमें हमें एक बड़ा सा डंडा लेके एक अड्डा बनाए, छतरी होती है ना कबूतर की बैठने की, वो हम बनाने की सोच रहे हैं यार, तो वो भी हमें ना जल्दी जल्दी बनाएंगे, अभी धीरे धीरे काम होगा यार, एकदम तो काम नहीं हो जाता है पूरा। और ये देखिए यहाँ से तो कली हो गई थी पूरी पलस्तर, तो सफाई करने के बाद और प्यारी लगेगी, अभी देखिए इस तरह की लग रही है, और इस साइड सूरज रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये रहा, तो है ना देखने में काफ़ी दिक्कत आती है यहाँ पर, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ से धूप जल जब बनवाएंगे ना तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करवा देंगे जिससे हमें देखने में आसानी हो यहाँ से। तो अभी तो बहुत ही प्यारा लगने लगा यार मुझे, क्योंकि यहाँ से पूरा हो चुका है, कल नहीं हुआ था, कल अंदर अंदर हुआ था इतना प्यारा नहीं लग रहा था, आपने भी देखा था, लेकिन अब देखिए आप यहाँ से हो चुका है, ये सूरज चक्कर में दिखता हुआ नहीं है यार, ये देखिए यहाँ पर भी हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, पहले नहीं हुआ था कल, यहाँ पर भी हो चुका है, ये रहता था, ये देखिए ये वाला हिस्सा रहता था, ये भी हो चुका है, अब इसको करवाएं या ना करवाएं ये आपको कमेंट बताना है, देखिए इसको, और ये भी हो चुके हैं हमारे जो बैठने के थे माशाल्लाह, और अब चल रहा है नीचे काम, देखिए मैं आपको नीचे दिखाने ले चलता हूँ। तो यार अभी देखिए यहाँ पे पलस्तर हो रहा है पूरा, देखिए इस साइड का ये वाली दीवार का हो रहा है, क्योंकि अभी हमने ये तोड़ दिए, देखिए ये वाली और तोड़ दिए ये हिस्सा, क्योंकि इसमें भी दरारें आ रही थी, तो ये वाला भी टूट चुका है, यहाँ तक टूट गया शायद, अब पता नहीं यहाँ तक था कि यहाँ तक था, शायद यहाँ तक था मेरे हिसाब से, तो ये टूट चुका है और ये पड़ी है ईंटें उसकी, और यहाँ से ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो ये शायद अभी लग जाए या फिर कल लगे, तो देख लेंगे, अगर इससे फ्री हो जाते हैं जल्दी तो फिर ये लग जाएगा, नहीं तो फिर कल लगेगा ये। तो देखिए यहाँ पर ये पलस्तर हो रहा है अभी, तो इस साइड का यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हो रहा है पूरा पलस्तर, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये दीवार पूरी हो जाएगी, फिर यहाँ के लिए तो यार भाड़ा माड़ा बंधेगा जो बनता है, फिर होगा पलस्तर, और यहाँ का ये भी है ना अभी हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से, नहीं तो फिर कल होगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर ये काम हो गया तो आज हो जाएगा पलस्तर वाला काम, अगर आज हो गया तो ये आज हो जाएगा, नहीं तो फिर कल हो पाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पलस्तर तो भाड़ा बनने के बाद होगा, अभी नहीं हो पाएगा ये, और फिर हमारी जाली माली काम हम लगा लेंगे जाली माली बाद में, तो जाली अभी नहीं लगेगी, बाद में लगेगी जाली। तो यहाँ पर अब चलते हैं नीचे यार, देखते हैं हमारे कबूतरों को उन्हें दाना खाया या नहीं खाया, अगर खा लिया होगा पूरा तो उन्हें और डाल देंगे दाना, जल्दी चलते हैं, और पानी भर के भी लाना यार उनके लिए, कबूतरों के लिए मैंने पूरा पानी फेंक दिया था उनका। यार अभी ये वाला पिजन है ना यहाँ पे पानी पीने के लिए आ रहा था यार, तो इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी से पानी लेके आना पड़ेगा, इस पानी को भी मैं इस रेत के ऊपर यहाँ पर खाली कर देता हूँ, क्योंकि ये भी ठंडा हुआ पड़ा यार, मैं इनके लिए थोड़ा ताज़ा पानी भर के लेके आता हूँ गीज़र में से, या गर्म पानी भर लाता हूँ या फिर ताज़ा पानी भर के लेके आता हूँ। और यहाँ पे मुर्गा मुर्गी आ गए, तो यार इन्हें जल्दी से मैं पहले बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये हमारे कबूतरों को परेशान करेंगे, इनका पेट तो भरा रहता है यार, नीचे से दाना अलग डालता हूँ उनके लिए मैं। चलो 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 चलो, तो यार ये चलो, इनके पिंजरे में है ना अभी अपने आप बंद नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों इनकी जगह बदली है, जब से नाटक करते हैं, नहीं तो वहाँ से आते थे और अंदर हो जाते थे, तो अभी इन्हें यहाँ पर दाना पड़ा हुआ मिलता है तो ये खाने लगते हैं। ये देखिए मुर्गा परेशान करेगा शायद, नहीं करा, गया गया गया, तो अभी इनका गेट लगा देता हूँ, अभी बाकी मुर्गा मुर्गी नहीं आए यार हमारे, अब हमारे पास कितनी टोटल चार मुर्गियाँ बची हैं और एक मुर्गा पाँच, तो हम धीरे धीरे यार और हमारे परिंदे मरिंदे ले आएंगे, दाना थोड़ा सा और डाल देता हूँ, अब मैं एक मुट्ठी और डाल देता हूँ अभी, क्योंकि यार ये देखिए, और वो पानी पीने के लिए यार बार बार परेशान हो रहा है हमारे कबूतर, तो उनके लिए जल्दी से पानी भर के लेके आता हूँ यार मैं नीचे से, और पानी भर के रखता हूँ। यार यहाँ पे पानी लेके आ चुका हूँ, और इनको लग रहा है बहुत तेज प्यास हमारे कबूतरों को, तो पानी भर देता हूँ, आओ 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 आओ, ये देखिएगा पानी भरते ही मैं जैसे दूर हटूँगा ना तो पूरे कबूतर पानी पीने के लिए आ जाएंगे, और यहाँ पर हमने पानी फेंका, देखिए कैसा गड्ढा सा बन चुका है, अब पानी पीने आ चुके हैं हमारे कबूतर, ये देखिए यहाँ पर बहुत प्यास थे यार, क्योंकि मैंने सबके लिए दाना हटा दिया, मतलब दाना कह रहा हूँ यार पानी हटा दिया था क्योंकि वो ख़राब था। ये वाला कबूतर मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे वाइट पिजन से अंडे रखवा देगा, क्योंकि बहुत भगा रहा है, दौड़ा रहा है, तो जब ही दौड़ाता है यार जब अंडे रखवाना होते हैं, तो अभी ये देखता हूँ सब अंडों बैठे हैं या नहीं बैठे, ये तो बैठ चुकी है, ये नहीं आए, शायद पानी पीने गई थी वो फीमेल, तो अभी थोड़ी देर में आ जाए ये दाना खाने, उसके बाद वो बैठ जाएंगे यार अंडे पर, रात में तो बैठे रहते हैं सब। और इनका मैं सोच रहा था यार ये अंडे बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनका पहली बार अंडे दिए इनने, फर्स्ट टाइम है इसका, तो ये शायद अंडों बैठे ना, लेकिन ये यार परमानेंट बैठी रहती, दाना खाने में नहीं उठती, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे है ना हमारे कुछ मुर्गा मुर्गी नहीं आए हैं, तो
तो हमें देखना पड़ते हैं यार, नहीं तो उन्हें कुत्ता ले जाता है तो फिर बहुत अजीब सा लगता है यार। हमें कुत्ता नहीं ले आना चाहिए यार बिल्कुल भी, हम इतनी मेहनत से बड़ा करते हैं और कुत्ता खा ले तो फिर क्या है यार, समझ में नहीं आता। मुझे कुत्तों पर घुसते गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन हमारी कॉलोनी की वो कुतिया है वो बिल्कुल नहीं खाती है, दूसरे कुत्ते खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ही बैठ चुके हैं अपने अंडों पे यहाँ पे, तो इनको फीडिंग मैं अभी करा दूंगा वीडियो ख़त्म करने के बाद। और मैं आपको है ना बहुत जल्द जंगली कबूतर के बच्चे दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लो, बार बार कमेंट मत करो मुझे, मैं आपको दिखा दूंगा यार, आप इतनी टेंशन मत लो। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।